अमेरिका और इंडिया के घरों में अंतर देखकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, भारत और अमेरिका के हालातों में बहुत अंतर है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब हम आपको इन दोनों देशों में बनने वाले घरों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, भारत में तो ईंट पत्थर के घरों को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब आप अमेरिका के घरों पर नजर डालेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को न केवल रहन सहन इनका अलग होता है, बल्कि ये लोग घर भी बहुत अनोखा बनाते हैं, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे, भैया काश कि मेरा भी घर ऐसा होता। सॉकेट। दोस्तों, हमारे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट होते हैं वो अक्सर काफी हाइट पर लगे होते हैं और सभी सॉकेट में बटन दिए गए होते हैं, यहाँ तक कि एक लाइट बोर्ड में एक या फिर दो ही सॉकेट होल होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप अमेरिका के घरों में प्रवेश करेंगे तो आपको एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग सॉकेट नजर आएंगे, जिनकी संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है, और वो सॉकेट जमीन से बस थोड़े ऊपर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन सॉकेट्स में कभी बटन नहीं दिए जाते, क्योंकि इन सभी सॉकेट्स में हमेशा लाइट चलती रहती है। अमेरिका में ज्यादातर जो अपलाइन होती है सभी में ऑन ऑफ के बटन दिए जाते हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर वहाँ ऑन ऑफ के बटन पहले से हैं तो हम एक्स्ट्रा बटन क्यों दें, और इसीलिए किसी भी अपार्टमेंट में सॉकेट में बटन नहीं होते, बस आपको प्लग इन करना है और आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से इनके जो सॉकेट का होल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ताकि किसी भी बच्चे की उंगली अंदर ना जा सके। पूरे घर में सिर्फ 2 या 3 बटन होते हैं जो लाइट को खोलने और बंद करने के लिए होते हैं, बाकी सॉकेट के अंदर कहीं पर भी बटन नहीं जाते, आपको बस प्लग लगाना है और चीजें अपने आप ही चलने लग जाएंगी। आपको बता देंगे भारत और अमेरिका की लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा अलग होती है। वॉल। अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के घरों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होगा। अमेरिका के घरों में जो दीवारें बनाई जाती हैं वो वुड यानी कि लकड़ी से बनी होती हैं, वहीं जो भारत में दीवारें बनती हैं वो सीमेंट और ईंटों से बनी होती हैं। असल में अमेरिका में लकड़ी बहुत ज्यादा सस्ती होती है, और इसीलिए अगर वहाँ के लोग लकड़ी से घरों को बनाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। साथ ही लकड़ी के जो घर होते हैं वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में भी लकड़ी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन लकड़ी के घरों वाला सिस्टम भारत में चल ही नहीं सकता, क्योंकि भारत और अमेरिका के तापमान में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए लकड़ी वाला घर भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत तो दीमक की है, क्योंकि भारत में लकड़ी से घर बनाने लग जाएं तो कुछ ही सालों में घरों में दीमक लग सकती है, जो पूरे घर को खोखला कर देगी। हालांकि अमेरिका में भी दीमक होती है और बड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन लोगों को इन प्रॉब्लम से लड़ना भी आता है, इसलिए वो बड़े सस्ते में अपने घर का आराम से रहन सहन बना ही लेते हैं। फ्लोरिंग। दोस्तों, जैसा कि भारत के ज्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका के घरों में फ्लोरिंग के लिए कारपेट का इस्तेमाल होता है, जहां पहले घरों के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया जाता है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। आपको बता दें कि ये चीज केवल लिविंग रूम और बेडरूम के लिए होती है, क्योंकि जो किचन की फ्लोरिंग होती है वो अलग होती है, जिसमें अधिकतर वुड की फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि खाना बनाते हुए अगर कोई भी चीज कारपेट पर गिर जाए तो उसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहीं वुडन फ्लोरिंग पर कोई भी चीज अगर गिर जाएगी तो आसानी से साफ किया जा सकता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि बाथरूम के अंदर कारपेट नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए अमेरिका के घरों में सिर्फ बाथरूम के अंदर ही अधिकतर टाइल्स लगाए जाते हैं, बाकी पूरे घर में कारपेट या वुड की फ्लोरिंग होती है। डबल सिंक। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एक सिंक देखा होगा जिसमें लोग अपना हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, काम करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अमेरिका के घरों में इस तरह के 2 सिंक होते हैं जो बिल्कुल आम नहीं होते, बल्कि डिस्पोजेबल होते हैं, क्योंकि भारत में तो जब खाना बनता है तो या तो हम उसे सुबह उठाकर खुद ब खुद खा लेते हैं या फिर जानवरों को डाल देते हैं, और अगर खाना कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है तो उसे कचरे में डाल दिया जाता है। लेकिन इस तरह की चीजें अमेरिका में नहीं होती, अगर वहां पर खाना बच गया तो उसे फेंक देते हैं और उसे सिंक के जरिए फेंका जाता है, जिसके अंदर एक खास तरह की मशीन लगी होती है। हालांकि इसका जो होल होता है वो नॉर्मल सिंक की तरह होता है, लेकिन इसमें चाली नहीं होती और इस मशीन को शुरू करने के लिए बटन भी दिया हुआ होता है, जिसे दबाने के बाद अगर आप इसमें खाना डालते हैं तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा और पानी के साथ बहकर निकल जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ये काफी जुगाड़ू आइडिया है, लेकिन इससे खाना बहुत बर्बाद होता है। हम भारतीय तो जानबूझकर ज्यादा खाना बनाते हैं ताकि अगर खाना बच जाए तो अगले दिन बनाना न पड़े। वैसे कि आपके यहाँ भी इस तरह का आलसपन होता है, जब आप हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। फर्नीचर। दोस्तों, जब आप भारत में घर को किराए पर लेने जाएंगे तो आपको 2 तरह के घर मिलेंगे, एक ऐसा घर जो पूरी तरह से फर्निश्ड है और उसमें सोफे से लेकर बेड तक सब कुछ मौजूद होता है, और दूसरा घर ऐसा होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता और आपको खुद से सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और अमेरिका में भी ज्यादातर इसी तरह के सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि अमेरिका के जो अनफर्निश्ड घर होते हैं जिसमें फर्नीचर वगैरह नहीं होता, उनमें से कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जरूर मिलेंगी। सबसे पहली चीज है फ्रिज, दूसरी चीज है चिमनी, क्योंकि अमेरिका के हर घर में एक आपको चिमनी जरूर मिलेगी जो किचन का हिस्सा होती है। साथ ही डिशवॉशर और ओवन भी घरों के अंदर मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ किचन का हिस्सा होता है, और अगर कोई किराए पर रहने जा रहा है तो उसे इतनी चीजें जरूर मिलनी होती हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो।
एयर कंडीशनिंग। दोस्तों भारत में एयर कंडीशनिंग के दो तरीके आजमाए जाते हैं। सबसे पहले तो पंखे का इस्तेमाल होता है जो कि गरीब घर से लेकर अमीर घर तक हर घर में होता है। वहीं दूसरा इस्तेमाल होता है एसी का, लेकिन भारत के घरों में केवल एक ही एसी लगाई जाती है। तो वहीं अमेरिका में अलग से सीन चलता है भाई, जहां सेंट्रलाइज्ड एसी लगाई जाती है। यानी कि एसी तो यहां एक ही होती है, लेकिन उसकी वजह से पूरे घर में हवा जाती है। पूरे घर में ऐसे छोटे छोटे फैंस बनाए जाते हैं जिनसे हवा आती है। इसलिए अगर आप एसी का जो टेम्परेचर सेट करेंगे, पूरे घर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। वरना भारत में तो जहां पंखे की आवाज आ रही है वहीं पर ठंडा लगने लग जाता है, वहीं कोने में बैठा इंसान गर्मी से तड़पता होता है। अमेरिका के बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पंखे दिए नहीं जाते, और जिन घरों में पंखे होते हैं वहाँ बहुत ही स्लो चलते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ठंड में इस्तेमाल करने के लिए लोग लगाते हैं। अमेरिका के ऑलमोस्ट सभी घरों में एसी है, लेकिन भारत के केवल 5% लोग ही एसी चलाना अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के लोगों को एसी की ज्यादा आदत न लगने की वजह से अमेरिका के मुकाबले हम लोग 34% ज्यादा बिजली बचा लेते हैं। विंडोज। दोस्तों हमारे भारत में खिड़कियों में अगर पर्दे ना लगे हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसे में अगर आप अमेरिका पहुंच जाएं तो आपको हर जगह अधूरापन लगेगा, क्योंकि वहां किसी भी खिड़की में पर्दे नहीं होते। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे अमेरिका में कहीं पर भी पर्दा इस्तेमाल नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका की अधिकतर जगहों पर पर्दे नहीं होते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही अपने घरों में पर्दे लगवाना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्दों को बार बार साफ करना पड़ता है। और अमेरिका में पर्दे काफी महंगे और हाई क्वालिटी के मिलते हैं, जिसे खरीदने और साफ सफाई की झंझट करना हर कोई नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका में अधिकतर प्लास्टिक लाइन शेड को इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइट को डाइवर्ट करते हैं। और आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि आपको भैया रूम में कितनी लाइट चाहिए और कितना अंधेरा। वाटर सिस्टम। दोस्तों एयर कंडीशनिंग की तरह यहाँ का वाटर सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड होता है। जहाँ भारत में हर एक घर में लोग वाटर टैंक लगा कर रखते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ 24 घंटे नल से पानी गिरता है। यहाँ जो वाटर टैंक होता है ये बिल्डिंग में सेट होता है, जिसमें आप जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से पैसे देते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना उससे कम। और जब पानी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं तो लोग पानी का इस्तेमाल भी कम करने लगते हैं और उसकी वेस्टेज भी कम होती है। यानी कि एक दिन से दो निशाने। जबकि भारत में तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को ढंग से पानी नसीब नहीं होता, तो कुछ ऐसे भी इलाके जहां पर लोग दिल खोलकर पानी बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको मालूम चल गया होगा कि अमेरिका में किस तरह से घर बनाए जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहां के घर ज्यादा पसंद है, भारत के या अमेरिका के। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।